हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन जैदी बायो क्लासेस। मैं डॉक्टर जैदी आज आपको क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिकल एड्स को डिस्कस करूंगा। टैक्सोनॉमिकल एड्स को डिस्कस करने से पहले एनसीईआरटी में दिए हुए चार ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। वो चार टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक ह्यूमन की है, हाउस फ्लाई की, और दो प्लांट्स हैं, उसमें से एक प्लांट मैंगो है और दूसरा प्लांट है वीट, ट्राइटिकम एस्टिमम। तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग की। फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। ह्यूमन के क्लासिफिकेशन में फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास मैमल्स या मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेटा, ओके। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। फैमिली होमोनाइडी, होमोनाइडी। जीनस होमो, और स्पीशीज सेपियंस, स्पीशीज है सेपियंस। ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमोनाइडी और जीनस होमो स्पीशीज सेपियंस। हालांकि आपको पता है ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो सेपियंस सेपियंस में होमो जीनस है, सेपियंस स्पीशीज है, और सब स्पीशीज क्या है फिर? वो सेपियंस है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, फाइलम, यस फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर डिप्टेरा। देखिए डिप्टेरा में टू पेयर विंग्स होते हैं, लेकिन हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इन सब में डिप्टेरा में सिर्फ वन पेयर विंग्स है। तो हाइंड पेयर कहाँ गया? हाइंड पेयर विंग्स गेट मॉडिफाइड इनटू हाल्टर्स। हाइंड पेयर विंग्स हाल्टर में मॉडिफाई हो जाते हैं और हाल्टर्स बैलेंसिंग का काम करते हैं, जैसे ऑर्डर है ना डिप्टेरा। डिप्टेरा मतलब क्या है? टू पेयर विंग्स, लेकिन हाइंड विंग्स गेट मॉडिफाइड इनटू हाल्टर्स। तो इनमें केवल एक ही पेयर विंग का मिलता है, वो पेयर कौन सा है? फोर विंग्स का, ठीक है। और हाइंड विंग्स का पेयर बदल जाता है हाल्टर्स में। तो फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर। इसके बाद आती है फैमिली, ठीक है। फैमिली है मसाइडी, MUSCIDAE, और जीनस, जीनस क्या है इसका? मस्का। जीनस है मस्का और स्पीशीज है डोमेस्टिका। स्पीशीज का नाम क्या है? डोमेस्टिका, स्पीशीज डोमेस्टिका। रिवाइज करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मसाइडी, जीनस मस्का एंड स्पीशीज डोमेस्टिका, ओके। देखिए दो एनिमल तो हो गए ना ये, अब क्या बचे? दो प्लांट, दो प्लांट है। पहला कौन सा है? मैंगो, है ना। तो फाइलम प्लांट्स में कैरोलस लीनियस की हिरार्ची में फाइलम की जगह हम लेते हैं डिवीज़न। तो यहाँ पे डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। एंजियोस्पर्मी मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें सीड फ्रूट के अंदर होता है उसे कहते हैं एंजियोस्पर्मी। डिवीज़न के बाद क्लास, क्लास है डाइकोटिलीडनी,
ठीक है, डाइकॉटिलेडनी, डाइकॉट मीन्स जिसमें जिसके एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडन्स हों, जिसके एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडन्स हैं उसे कहते हैं डाइकॉटिलेडनी। क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स में वुडी प्लांट है ज़्यादातर, ज़्यादातर कैसे वुडी प्लांट आते हैं इसमें सेपिनडेल्स। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, है ना, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट कौन सा है, ड्रूप, ड्रूप फ्रूट वाले प्लांट एनाकार्डिएसी फैमिली में, और जीनस है मैंगीफेरा, जीनस है मैंगीफेरा, और स्पीशीज है इंडिका, स्पीशीज है इंडिका। ठीक है, हम रिवाइज करते हैं एक बार इसको, डिवीजन एंजियोस्पर्मी मैंगो में, क्लास डाइकॉटिलेडनी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, और जीनस मैंगीफेरा, स्पीशीज इंडिका, और लास्ट है वीट प्लांट ट्राइटिकम एस्टिवम। तो डिवीजन क्या है इसमें, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, और क्लास है मोनो कॉटिलेडनी। ठीक है, मोनोकॉटिलेडनी मतलब मोनोकॉट प्लांट है, इसके एम्ब्रियो में केवल एक कॉटिलेडन है, और ऑर्डर है पोएल्स, ऑर्डर है पोएल्स, और फैमिली है पोएसी, पोएसी, इसका दूसरा नाम क्या है ग्रैमिनी। फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस में लिखते हैं हम ट्राइटिकम, और स्पीशीज है, स्पीशीज है क्या एस्टिवम, स्पीशीज एस्टिवम है, तो ट्राइटिकम एस्टिवम। फिर से रिपीट करते हैं, प्लांट कौन सा है वीट, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकॉटिलेडनी, और ऑर्डर है पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्राइटिकम, और स्पीशीज एस्टिवम। एनसीईआरटी में चार ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, वो मैंने एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स, आज हम टैक्सोनॉमिकल एड्स को ही स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमी आप पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी का यूज कहाँ है, हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स की नीड क्यों है। देखिए, टैक्सोनॉमी का यूज है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, बायो रिसोर्सेज, और बायो रिसोर्सेज के डेरिवेटिव इंडस्ट्रीज में टैक्सोनॉमी का यूज है। टैक्सोनॉमी के यूज के लिए ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का करेक्ट होना आवश्यक है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के लिए ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का करेक्ट होना एसेंशियल है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म की का आइडेंटिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट कहाँ से मिलता है, लेबोरेटरी से या फील्ड से, जहाँ उनका हैबिटेट है वहाँ से उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत होती है। अब क्लियर हुआ ना, टैक्सोनॉमिकल एड्स हमें क्यों एसेंशियल हैं, इसकी नीड क्यों है, ऑर्गेनिज्म के करेक्ट इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि हमें लेबोरेटरी या फिर उनके हैबिटेट या उनके उनके हैबिटेट प्लेस से मिलता है या फील्ड से मिलता है। अब देखिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स को पहले मैं थोड़ा सा वैसे समझाता हूँ।
हम टैक्सोनॉमी में प्लांट और एनिमल दो की स्टडी करते हैं ना, एक प्लांट है एक एनिमल है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमारे कंट्री में हो सकता ना हो, या जिस जगह हम रह रहे वहाँ नहीं हो, या प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड प्लांट हो गए हैं। हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स के ऑर्गेंस को, अगर प्लांट छोटा है तो पूरे प्लांट को या उनके फ्लावर को सुखाकर हर्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं और हर्बेरियम शीट को स्टोर कर देते हैं एक जगह। ये कहलाया हर्बेरियम। ओके, ये कहलाया हर्बेरियम। दूसरा क्या है कि प्लांट्स को हमने डिफरेंट प्लेस से कलेक्ट किया और उनको कल्टीवेट किया और उनका कल्टीवेशन हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं और उसमें उनके बॉटनिकल नेम भी लिखते हैं। तो जिस जगह पर हम डिफरेंट प्लेस से प्लांट को लाकर कल्टीवेट करते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। वो कहलाया बॉटनिकल गार्डन। ओके, बॉटनिकल गार्डन कहलाएगा। तीसरा क्या है, एनिमल्स मर गए, उनके स्केल्टन को हमने प्रिजर्व कर दिया, या कुछ एनिमल्स हैं बड़े साइज के हैं, डेड हो गए, उनको विसरल ऑर्गेंस को रिमूव करके उसके अंदर स्टफ भर देते हैं, ठीक है, या उनको फॉर्मलिन में प्रिजर्व कर देते हैं और उनको फिर हम एक प्लेस पर स्टोर कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं म्यूजियम। वो कहलाता है म्यूजियम। फोर्थ नंबर पे क्या है कि हमने एनिमल्स को डिफरेंट प्लेस से लाए, एक जगह उनको हमने रख दिया, उन्हें नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उनकी फूड हैबिट की स्टडी करते हैं। क्या कहलाता है वो प्लेस, जूलॉजिकल पार्क। वो कहलाता है जूलॉजिकल पार्क। और लास्ट में है की, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स की नीड्स क्यों हैं, ऑर्गेनिज्म के करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, हर्बेरियम। हम थोड़ा इसको अब डिटेल में स्टडी करते हैं। हर्बेरियम का आइडिया किसने दिया था, इसका आइडिया तो कैरोलस लीनियस ने दिया था सबसे पहले। हर्बेरियम का सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। हर्बेरियम में हम प्लांट्स के पार्ट्स, जैसे फ्लावर है, एंथर है, गाइनेशियम है, उसके सीड हैं, उसकी ओवरी है ना, उसको सुखाकर, उनकी लीव्स को सुखाकर हर्बेरियम शीट पर प्रेस कर देते हैं और उस पर उसको चिपका देते हैं। देखिए ऐसे हर्बेरियम शीट होती है, ये हर्बेरियम शीट है। इस हर्बेरियम शीट की जो लेंथ है 16.5 इंच है और विड्थ है 11.5 इंच। इसमें हम यहाँ पे प्लांट ऑर्गेंस है ना, प्लांट ऑर्गेंस को सुखाकर प्रेस करके इस पर चिपका देते हैं, ठीक है। जैसे हमने फ्लावर लगा दिया, उसकी लीफ लगा दी, उसकी हमने रूट लगा दी, और भी टिश्यू लगा सकते हैं। इस हर्बेरियम शीट पर हम डाटा भी लिखते हैं, जैसे इनके नेम, इनका लोकल नेम, इनका इंग्लिश नेम, इनका बॉटनिकल नेम, वो तो ज़रूरी है, वो लिखते हैं। प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया गया है, प्लेस लिखते हैं। फिर इनकी फैमिली और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिख देते हैं। इसके अलावा जैसे फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है, ऑर्डर है, वो यहाँ लिख देते हैं। और फिर कलेक्टर नेम लिखते हैं, किसने कलेक्ट किया, और डेट ऑफ कलेक्शन लिख देते हैं। हर्बेरियम प्रोवाइड
क्विक रेफरल सिस्टम, हर्बेरियम रेफरल सिस्टम प्रोवाइड करता है प्लांट्स का। हर्बेरियम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में है, देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद में हर्बेरियम है। इन हर्बेरियम शीट को हम एक रूम में अलमीरा के अंदर स्टोर करते हैं। जहाँ इन्हें स्टोर करते हैं वहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं कि ऐसा ना इन्हें इंसेक्ट्स खा जाएं। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या है? डिफरेंट प्लेस से हम प्लांट्स को लाकर, ट्रीज को लाकर उनको कल्टीवेट करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में तीन तरह के मोस्टली प्लांट हम कल्टीवेट करते हैं। कैक्टस करते हैं, है ना, कैक्टस को उगाते हैं वहाँ पे। दूसरे हैं ग्रीन हाउस प्लांट, ग्रीन हाउस प्लांट्स को हम ग्रो कराते हैं। तीसरे हैं हर्ब हैं, शर्ब हैं, उनको ग्रो कराते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स के बॉटनिकल नेम लिखे जाते हैं, प्लांट्स के बॉटनिकल नेम प्लांट्स के ऊपर लिख दिए जाते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बॉटनिकल गार्डन रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। यूपी का बॉटनिकल गार्डन है NBRI, नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। ओके, हर्बेरियम कवर हो गया, बॉटनिकल गार्डन कवर हो गया। हर्बेरियम में एक बात और नोट कर लेना, हर्बेरियम में जो हम ये हर्बेरियम शीट को कलेक्ट करके अरेंज करते हैं वो नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। हर्बेरियम में हर्बेरियम शीट को जो अरेंज किया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम और हुकर ने। बॉटनिकल गार्डन ने क्या प्रोवाइड किया था? आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस। तीसरा है म्यूजियम। म्यूजियम में हम एनिमल्स को फॉर्मलिन में प्रिजर्व कर देते हैं। आपने देखा होगा लैब में ऐसे ग्लास जार होता है, उस ग्लास जार में एक ग्लास प्लेट पड़ी होती है, उस ग्लास प्लेट पर ये एनिमल होता है इस तरह से, ठीक है। इसको एनिमल को इसमें हम बांध देते हैं और इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है जिस केमिकल का नाम है फॉर्मलिन। इसे हम स्पॉटिंग जार कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ जो बड़े एनिमल्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं उनके विसरल ऑर्गेंस को बाहर निकाल देते हैं, उसके अंदर स्टफ भर के उसको फिर से सील देते हैं और उनको हम सुखाकर प्रिजर्व कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स के हम स्केलेटन को स्टोर करते हैं, उनके स्केलेटन को प्रिजर्व कर लेते हैं, वो कहलाता है म्यूजियम। म्यूजियम को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनाते हैं, कॉलेज में बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बनाते हैं म्यूजियम्स। और कुछ जगह म्यूजियम जूलॉजिकल पार्क में बने हुए हैं, जैसे लखनऊ में म्यूजियम जूलॉजिकल पार्क में है। म्यूजियम प्रोवाइड रेफरेंस एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स। म्यूजियम हमें रेफरेंस और स्टडी देते हैं एनिमल, है ना, म्यूजियम में एनिमल्स की रेफरेंसेस देते हैं और स्टडी देते हैं, स्टडी के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में हम एंडेंजर्ड एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है, या जो एनिमल्स हमारे यहाँ नहीं पाए जाते दूसरी जगह से लेकर आते हैं,
उनको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, दूसरे जगह से एनिमल्स को लाके हम उनको पालते हैं और उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम कीवी लाए और अपने यहाँ के जू में उसे रख दिया और उसको वहीं का तरह का जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसे प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो जूलॉजिकल पार्क में डिफरेंट प्लेसेस से एनिमल को लाकर कलेक्ट किया जाता है और जूलॉजिकल पार्क फूड हैबिटेट और बिहेवियर की स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड एनिमल्स के फूड हैबिटेट और बिहेवियर की स्टडी को प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट में आता है की हमें आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराती है और ये आइडेंटिफिकेशन बेस्ड होता है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज फीचर्स पर। की बेस्ड है कॉन्ट्रास्ट करेक्टर्स पर, की बेस्ड है कॉन्ट्रास्ट पेयर्ड करेक्टर्स पर। की में एक ऑप्शन होता है कि एक करेक्टर हम चुनते हैं और दूसरा को छोड़ते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है ना, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज है ना, और की का कोई भी स्टेटमेंट लीड कहलाता है, एनी स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। हर टैक्सॉन के लिए अलग अलग की है, हर टैक्सॉन के लिए अलग अलग की है। की एनालिटिकल नेचर में है, की एनालिटिकल नेचर है। तो की क्या प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। की किस पर बेस्ड है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बेस्ड है। की कॉन्ट्रास्ट पेयर करेक्टर पे बेस्ड है, जिसे कहते हैं कपलेट। और की हमें एक चॉइस देता है और एक ऑप्शन देता है, और की का कोई भी स्टेटमेंट जो होता है उसे लीड कहते हैं, और की एनालिटिकल नेचर में है। इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के है ना, इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के अलावा फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग भी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के अलावा फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग भी हमें आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। फ्लोरा नाम से पता चल रहा है प्लांट्स के लिए होता है, तो फ्लोरा क्या करता है, फ्लोरा हमें प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के, प्लांट के हैबिटेट के और प्लांट इंडेक्स को प्रोवाइड कराता है ना। फ्लोरा प्रोवाइड्स प्लांट हैबिटेट, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लांट इंडेक्स। मैनुअल, मैनुअल स्पीशीज के नोमेनक्लेचर के आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देता है। मैनुअल गिव्स इंफॉर्मेशन, मैनुअल गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज, है ना। मैनुअल स्पीशीज के नोमेनक्लेचर के आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देता है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में किसी भी टैक्सॉन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। ओके, टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी हैं, लास्ट में रिपीट कर दूं, टैक्सोनॉमिकल एड्स हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है और की है। हर्बेरियम है, रेफरल सिस्टम देता है, ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता है, याद रखिएगा, हर्बेरियम प्रोवाइड रेफरल सिस्टम। बॉटनिकल गार्डन हमें आइडेंटिफिकेशन देता है और रेफरेंसेस देते हैं, म्यूजियम रेफरेंसेस स्टडी के लिए है, जूलॉजिकल पार्क फूड हैबिटेट और बिहेवियर के लिए, ठीक है। और की कॉन्ट्रास्ट करेक्टर पर, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी पर बेस्ड है और आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, फिर हम मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।